केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि नानकमत्ता में धार्मिक पर्यटन और पर्यटन को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नानकमत्ता में वाटर स्पोर्ट्स की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। नानकमत्ता पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब में मत्था टेकने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि रुद्रपुर स्थित संजय वन को दोबारा विकसित किया जा रहा है, साथ ही एक पर्यटन सर्किट बनाया जा रहा है। इसके तहत कुछ जिप्सियां चलाई जाएंगी जो कि नानकमत्ता से संजय वन होते हुए जिम कॉर्बेट पहुंचेंगी। यहां पर वाटर स्पोर्ट्स का हमने काम प्रारंभ किया है, अभी हम और आगे इसमें आगे इसको और विकसित करने वाले हैं। एक हमारा प्रपोजल है, मन में भाव है कि संजय वन रुद्रपुर जिले के मुख्यालय पर है, बहुत बड़ा टूरिज्म स्पॉट था जो किन्हीं कारणों से बंद करना पड़ा है, उसको भी संचालित कर रहे हैं। आजकल 20 लाख रुपए उसमें जो दिए गए थे उससे सफाई का अभियान चला है, वो जागृत स्थान हो जाएगा। तो दिल्ली से नैनीताल या पिंडारी ग्लेशियर, रानीखेत, आपका पिथौरागढ़ चौक और इस साइड से आपका जो कौसानी बागेश्वर, इधर को जितने लोग भी जाएंगे तो वहाँ जाने वालों के लिए एक स्टॉपेज हो जाएगा।